सिनेमा हॉल के भीतर एनिमल का आक्रमण और सिनेमा हॉल के बाहर एनिमल पर आक्रमण। मैं ये समझना चाहता हूं आखिर इस फिल्म में डायरेक्टर राइटर स्वस्तिक का निशान दिखा करके और कंपनी का नाम स्वस्तिक रख करके आखिर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिछले कई दिनों से एक फिल्म ने तूफान मचा रखा है और इस फिल्म का नाम है एनिमल। रणवीर कपूर की यह फिल्म लोगों के दिलो दिमाग पर जैसे छा गई है। सिनेमा हॉल के भीतर एनिमल का आक्रमण देखने को मिल रहा है तो सिनेमा हॉल के बाहर सोशल मीडिया पर, तमाम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब्स पर, तमाम जगहों पर जो बहस हो रही है उसमें एनिमल पर आक्रमण हो रहा है। सिनेमा हॉल के भीतर एनिमल का आक्रमण और सिनेमा हॉल के बाहर एनिमल पर आक्रमण। दोस्तों मैं इस वीडियो में एनिमल को लेकर के कुछ दूसरी बातें कहना चाहता हूं। एनिमल बहुत ही आक्रोश वाले किरदार की कहानी है। उसे पिता के प्यार की तलाश है लेकिन वह प्यार नहीं मिल पाता जिसकी उसे तलाश रही है या जिसकी उसे अपेक्षा रही है। इस कारण वह बहुत ही आक्रोशित हो जाता है धीरे धीरे और वह एक तरह से पूरे परिवार के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे दौर के लिए एक खतरनाक किरदार बन जाता है। हमने इतिहास में बहुत सारे ऐसे किरदार देखे हैं, बहुत सारी फिल्मों में ऐसे किरदार देखे हैं जो अगर परिवार के लिए खतरा बन जाता है, अगर सोसाइटी के लिए खतरा बन जाता है तो उस फिल्म में उस किरदार का अंत किसी और तरीके से होता है। लेकिन एनिमल में वह किरदार किसी और अंजाम तक पहुंचता है। डायरेक्टर शायद इसके जरिए कुछ और कहना चाहते हैं। दीवार में अमिताभ बच्चन का जो किरदार था उस किरदार को भी उसकी माँ सजा देती है। वह भी अपनी माँ को उतना ही प्यार करता है जितना कि शशि कपूर का किरदार प्यार करता है। लेकिन वह गलत रास्ते पे है। वह पूरी सोसाइटी के लिए उसका किरदार, उसकी पूरी फैमिली के लिए वह किरदार अगर वह खतरनाक बन चुका है तो माँ उसे सजा देती है। इसी तरह से आपने वास्तव फिल्म में देखा होगा संजय दत्त अंत में आकर के माँ को कहते हैं कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे खत्म कर दो और माँ उसे गोली मार देती है। लेकिन यह फिल्म एनिमल का जो किरदार है, नेगेटिव किरदार एक तरह से है रणबीर कपूर का, यहाँ इनका अब मुझे नहीं लगता कि शायद अब यह बताने में कोई स्पॉइलर जैसी कोई बात है क्योंकि फिल्म काफी दिनों पहले ही आ चुकी है और इसकी कहानी सबको मालूम हो चुकी है। तो रणवीर कपूर का जो किरदार है वह भी, उसकी जो सोच है, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो फिलॉसफी है, वह किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, कल्चर्ड फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। वह एक तरह से खतरनाक है। लेकिन इस फिल्म का जो अंत होता है वह किसी दूसरे तरीके से होता है। लेकिन एनिमल में कुछ ऐसी बातें भी है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया हो या फिर बहुत सारे यूट्यूब्स पर जो डिबेट हमने देखी है उनमें इन बातों का जिक्र बहुत कम हुआ है। एनिमल में डायरेक्टर ने बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से प्रतीकात्मक तौर पर कहने की कोशिश की है लेकिन उन प्रतीकों का अर्थ आखिरकार क्या है यह मैं विस्तार से समझना चाहता हूं। आपने गौर किया होगा कि एनिमल में अनिल कपूर जिस कंपनी के मालिक हैं उस कंपनी का नाम स्वस्तिक है और एक जगह संवादों में जिक्र आता है हिटलर का। उसमें रणबीर कपूर बताते हैं कि हिटलर का जो स्वस्तिक का निशान था वह कुछ इस प्रकार का था और हमारी कंपनी का जो स्वस्तिक का निशान है कुछ इस प्रकार का है। मैं ये समझना चाहता हूं आखिर इस फिल्म में डायरेक्टर राइटर स्वस्तिक का निशान दिखा करके और कंपनी का नाम स्वस्तिक रख करके आखिर क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा रणवीर कपूर जब
रश्मिका मंदाना से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जुड़वा बच्चा होता है। यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि अगर कहानी में उन दोनों को जुड़वा बच्चा नहीं भी होता तो कहानी पर क्या फर्क पड़ जाता। कई बार ऐसा संकट की घड़ी आती है जब वहां वह बच्चे को लेकर भाग रहे होते हैं, बच्चा बीच में आकर के कहानी को थोड़ा बहुत एक ट्विस्ट प्रदान करता है। कहानीकार क्या कहना चाहते हैं कि इतनी क्रूरता भरी कहानी है, इतना क्रूर वह किरदार है, मानसिक तौर पर विक्षिप्त वह किरदार है, वहां पर एक ट्विंस को दिखाने का आखिरकार मतलब क्या है। दो बच्चे बिल्कुल मासूम से हैं, वह कई बार दहशत में आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है फिल्म का। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे दृश्य हैं, सीन हैं इस फिल्म में जो बहुत ही प्रतीकात्मक तौर पर कहने की कोशिश की है कहानीकार ने, फिल्म मेकर ने, आखिरकार उसका मतलब क्या है। दोस्तों, इस फिल्म में हिंसा को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि इस फिल्म में जो रणवीर कपूर का किरदार है वह बहुत ही हिंसक है। असल में हाल फिलहाल की बहुत सारी ऐसी फिल्मों में आप देखिए तो वहाँ क्रूरतम हिंसा दिखाई गई है। आप तो कश्मीर फाइल्स को याद करिए, उसमें कैसी हिंसा दिखाई गई थी, कितनी क्रूर हिंसा का कितने विवश चित्रण किया गया था। द केरला स्टोरी देखिए, वहां भी कितनी भयंकर हिंसा दिखाई गई थी। भीड़ फिल्म देखिए, वहां भी हिंसा थी। इससे पहले की तमाम फिल्में आप देखिए, डर फिल्म याद करिए, घातक याद करिए, घायल याद करिए, ऐसी तमाम फिल्में याद करिए तो वहां हिंसा है। लेकिन संभवतः चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इससे पहले की जो तमाम फिल्मों में जो हिंसा दिखाई गई, उन सभी हिंसा के पीछे डायरेक्टर की या फिर कैरेक्टर की कोई न कोई एक सोच होती थी। यहाँ इस फिल्म में जो हिंसा दिखाई गई है उसके पीछे कोई सोच नहीं है। आमतौर पर यह टिप्पणी में ये बात निकल के सामने आ रही है और इसलिए यह हिंसा जो दिखाई गई है वह हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारी आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं यहाँ भी पूरी तरह से बहुत सहमत नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया में हाल के समय में जो आक्रामकता देख रहे हैं, जो खून खराबा देख रहे हैं, वह भी बिना फिलॉसफी के, बिना ही सोच के, बिना किसी मंतव्य के वह हिंसा दिखाई दे रही है। ट्रेन में चलते चलते कोई किसी को गोली मार देता है, चुनावी रैलियों में गोली मारने की बात सामने आती है। इसके अलावा सड़क पर तमाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से न्यूज मीडिया में खबरें दिखाई जाती है कि किसी ने किसी को गोली मार दी, अदालत परिसर में गोली मार दी जाती है। ऐसे तमाम दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। अगर उन्हीं दृश्यों को अगर सिनेमा में दिखा दिया जाता है तो फिर वो सवालों के घेरे में आ जाता है, क्यों वह हिंसा फैला रहा है। लेकिन हमारे आसपास की दुनिया में, हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्तमान दौर में क्या हिंसा नहीं है? हम क्या आक्रामक नहीं हुए? हम असहमति पर क्या आक्रोश व्यक्त नहीं करते? हम अपनी आलोचना क्या बर्दाश्त कर पाते हैं? अगर जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, नहीं मिल पाती है, तो उसके खिलाफ हम किस प्रकार आक्रोश व्यक्त करते हैं? यह भी तो आज के दौर की ही बात है। अगर उसका चित्रण सिनेमा में हुआ है और बेलौस तरीके से हुआ है तो इसमें अचरज क्या है? वह भी एक सच्चाई है। आप तेजाब फिल्म को याद करिए, अनिल कपूर की। इस फिल्म में भी अनिल कपूर हैं। तेजाब में जो आक्रोश है, खुद अमिताभ बच्चन की जो दीवार फिल्म में जो आक्रोश है, जंजीर में जो आक्रोश है, त्रिशूल में जो आक्रोश था, वह क्या था? वह उस दौर की हिंसा थी, वह उस दौर की सोसाइटी का प्रतिबिंब था। और आज का जो आक्रोश है सिनेमा में वह आज के दौर का प्रतिबिंब है। या कहीं ना कहीं ये हिंसा, ये हिंसक दृश्य हैं, वह हमें आईना दिखाते हैं। हाँ, यह सच है कि एनिमल की कहानी और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है। इसमें कहीं भी तारतम्य नहीं दिखाई देता, कहानी का विकास नहीं हो रहा, कहानी का ये जो किरदार हैं कहीं से भी कोई भी एक नई कहानी शुरू हो जाती है।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर कुछ इसी तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं कि आज की सोसाइटी में कोई कहानी ही नहीं दिखाई दे रही है, कहीं कोई किरदार डेवलप ही नहीं हो रहा है। तो यह फिल्म मुझे लगता है कि आज के दौर की बहुत ही एक रियलिस्टिक फिल्म है। हाँ, इसका एक निगेटिव पक्ष ये है कि यह फिल्म कुल मिलाकर के दर्शकों में क्या मैसेज देना चाहती है यह स्पष्ट नहीं है। अगर इसे भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई होती तो निश्चित तौर पर लोगों को यह फिल्म कुछ ज्यादा पसंद आती, इसकी आलोचना उतनी नहीं होती जितनी कि आज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।